हेलो गाइस, वेलकम टू टेक्नो फन यूट्यूब चैनल। तो हाँ मेरे भाई, फाइनली वन प्लस नॉट सीई फोर लाइट इंडियन मार्केट में आज के दिन लॉन्च हो चुका है। ये फोन आपको लेना चाहिए या फिर नहीं, हाँ मेरे भाई दो चीजें आपको ऐसी बताऊंगा, कौन से दो लोग हैं मेरे भाई जिन्हें ये स्मार्टफोन नहीं लेना चाहिए, वो मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग सा रहेगा तो वीडियो कंटेक्ट देखना, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लेना। चलते मेरे भाई वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। हाँ मेरे भाई, बैंक ऑफर्स भी निकल के आए हैं, उनके बारे में भी आपसे मैं बात कर लूंगा। तो चलते हैं मेरे भाई वीडियो स्टार्ट ही कर लेते हैं। 6.67 इंच का आपको फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है, जो 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ में आता है। नो डाउट मेरे भाई डिस्प्ले क्वालिटी हमें यहाँ पे अच्छी देखने के लिए मिलती है। बैटरी सेटअप की बात करूँ, 5500 एमएच का बैटरी मेरे भाई जो 80 वॉट के फास्ट चार्जर के साथ में आता है, ये चीज भी यहाँ पे काफी तगड़ी है। हाँ मेरे भाई, कैमरा सेटअप्स की बात करूँ, 50 मेगापिक्सल का मेन है, ओआईएस स्टेबिलाईजेशन का सपोर्ट यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है, ऑप्टिकल लेंस स्टेबिलाईजेशन। हाँ, और LYT 600 सोनी का यहाँ पे सेंसर यूज करा गया है भाई उसके मेन कैमरे के अंदर, तो नो डाउट मेरे भाई आपको कैमरा क्वालिटी काफी अच्छी देखने के लिए मिलेगी यहाँ पे। सेकेंडरी लेंस मेरे भाई 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, 16 मेगापिक्सल का सिंगल सेल्फी कैमरा इस फोन के अंदर हमें देखने के लिए मिलेगा। लुक एंड डिजाइन मेरे हिसाब से काफी सही है मेरे भाई, वैसे आपको कैसा लगा प्लीज अपनी राय कमेंट बताना। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर तो है ही मेरे भाई। प्रोसेसर की बात करूँ, प्रोसेसर निकल के आती है कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 6S Gen 3, ये प्रोसेसर हमें देखने के लिए मिलती है मेरे भाई। एंड्रॉइड 14 आउट ऑफ द बॉक्स स्मार्टफोन हमें देखने के लिए मिलेगा, सॉरी मेरे भाई। तो ये थे कुछ ऐसे स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन की कहानी। अब मैं आपको क्या बताना चाह रहा था मेरे भाई, वो मैं आपके साथ में प्राइसिंग से पहले वो क्लियर कर देता हूँ। अगर आप गेमर हो मेरे भाई तो इस फोन को आपको फिर नहीं लेना चाहिए, मैं अभी से आपको बता दे रहा हूँ। अंडर 20,000 के है ये कुछ स्मार्टफोन, बट ये फोन का प्रोसेसर इतना आप जैसे एक्सपेक्ट करते हो गेमिंग के लेके, अब वैसा आपको इसका रिजल्ट नहीं देखने के लिए मिलेगा। अगर आप मेरे भाई कैमरा के हिसाब से ले रहे हो स्मार्टफोन तो फिर ये डन है। डे टू डे लाइफ के लिए अगर आप ले रहे हो मेरे भाई नॉर्मल टास्किंग के वास्ते, इतना भी घटिया नहीं है मेरे भाई। हाँ, गेमिंग कर सकते हो 1-2 घंटा, एक जैसी नहीं कर सकते मेरे भाई सारा सारा दिन जो गेम्स खेलते हैं। हाँ, वैसा अगर आप सोच के ले रहे हो तो फिर आप इसे क्विट कर देना, ऐसे मत लेना। हाँ, अगर आप डे टू डे लाइफ के लिए ले रहे हो, कैमराज वगैरह के लिए, वीडियो मूवीज देखते हैं बहुत सारे लोग, हाँ उसके लिए अगर आप ले रहे हो तो फिर आपके लिए फोन अच्छा रहेगा। हाँ मेरे भाई, इसकी प्राइसिंग की मैं बात कर लूँ, 8 GB की रैम, 128 GB स्टोरेज, अंडर 20,000 के से ला रहे मेरे भाई। हाँ, 20,000 में ये आएगा, कल आज के दिन तो ये आ ही गए मेरे भाई। ये फोन आपको 2,000 रुपये कुछ ऑफ देखने के लिए मिलेगा, 18,000 रुपये में ये बेस्ट डील है मेरे हिसाब से। एमोलेड पैनल है और भी काफी अच्छी अच्छी चीजें हैं, जैसा बैटरी और एडाप्टर, मुझे ये चीज काफी अच्छी लगी स्मार्टफोन के अंदर। वैसे क्या आप इस स्मार्टफोन को लोगे प्लीज अपने रिकॉर्ड बताना, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। उम्मीद है मेरे भाइयों मैंने आपको कंफ्यूजन क्लियर कर दी है। हाँ, गेमर्स अगर आप हो तो फिर इसे छोड़ दो, अगर आप डे टू डे लाइफ के लिए ले रहे हो तो फिर आपके लिए बेस्ट है। वैसे आपको कैसा लगा प्लीज अपने रिकॉर्ड बताना, मिलता हूं आपसे साथ में, तब तक के लिए बाय मेरे भाइयों।